Good morning, students. Today we will start exercise 9.5 of chapter 9, algebraic expressions and identities. इससे previous video में हम exercise 9.5 के question second तक discuss कर चुके हैं. Now in this video we will discuss the remaining questions. Start करते हैं question number third से. Question third क्या है हमारा? Find the following squares by using the identities. Question third में हम squares find करने हैं by using identities. हम दो स्क्वायर्स के आइडेंटिटी पढ़ के आ चुके हैं. कौन कौन सी होती है? एक होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर जो ओपन होती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और दूसरी होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर जो ओपन होती है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. तो इन आइडेंटिटीज का यूज करते हुए हमें जो गिवन है उसको क्या करना है? सॉल्व करना है. हमें स्क्वायर फाइंड करने हैं गिवन एक्सप्रेशन के. तो फर्स्ट देखते हैं, हमें गिवन है b माइनस 7 का होल स्क्वायर. तो b माइनस 7 का होल स्क्वायर क्या है? किस आइडेंटिटी से ओपन होगा? ये ओपन होगा a माइनस b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से. यहाँ पर a माइनस b का होल स्क्वायर किसमें ओपन होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर में. तो b माइनस 7 के होल स्क्वायर को हम ओपन कर रहे हैं, तो इसका मतलब b का स्क्वायर माइनस 2. a क्या है? यहाँ पर b है और हमारे पास b क्या है? यहाँ पर 7 है. प्लस b का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आ गया 7 का स्क्वायर. तो b स्क्वायर माइनस 2 7 का होता है 14, तो 14 का b प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49. तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास? b स्क्वायर माइनस का 14 b प्लस 49. तो इसी तरह से हम स्क्वायर आइडेंटिटीज का यूज करते हुए इनके जो भी हम एक्सप्रेशन गिवन इनके स्क्वायर फाइंड आउट कर देंगे. नेक्स्ट देखते हैं सेकंड हमें क्या गिवन है. सेकंड हमें गिवन है x y प्लस 3 z का होल स्क्वायर. ठीक है, तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये हमारे पास आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी का होल स्क्वायर जो ओपन होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर में. तो यहाँ पर a क्या है हमारे पास? a है एक्स वाई, और b क्या है हमारे पास? 3z. तो अब इसको ओपन करते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर में. तो a का स्क्वायर मतलब एक्स वाई का स्क्वायर प्लस 2. अगेन a क्या है हमारे पास? एक्स वाई, और b क्या है हमारे पास? 3z प्लस b का स्क्वायर मतलब 3z का स्क्वायर. ठीक है, x का स्क्वायर x स्क्वायर ही होता है, y का स्क्वायर क्या होता है? y स्क्वायर प्लस 2 3z होता है 6, तो 6x y z. यहाँ पर तीनों वेरिएबल चल रहे हैं x y z, दो की मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 x y z. 3 का स्क्वायर होता है 9, और z का स्क्वायर होता है z स्क्वायर. तो x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 6 x y z प्लस 9 z स्क्वायर हमारा क्या आ गया? स्क्वायर आ गया गिवन एक्सप्रेशन का. नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्या है हमें. थर्ड गिवन है 6x स्क्वायर माइनस 5y का होल स्क्वायर. थर्ड हमें क्या गिवन है? थर्ड हमें गिवन है 6x स्क्वायर माइनस 5y का होल स्क्वायर. तो अगेन ये हमारी कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? a माइनस b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी जो ओपन होती है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर. यहाँ पर a है हमारे पास 6x स्क्वायर और b है हमारे पास 5y. तो इसको इस तरह से ओपन करेंगे तो a का स्क्वायर मतलब 6x का होल स्क्वायर माइनस 2a 6x का स्क्वायर, और b क्या है हमारे पास? 5y प्लस b का स्क्वायर मतलब 5y का स्क्वायर. यहाँ पर 6 का स्क्वायर होता है 36, x के ऊपर स्क्वायर है उसका ऊपर भी जो है पावर 2 है. जब बेस के ऊपर डबल पावर्स होती है तो पावर्स आपस में क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई हो जाती है. तो 2 से क्या होता है? 4. तो x की पावर क्या आ गई? 4 माइनस 2 6 से क्या होता है? 12, और 12 5 से 60. तो 60 का x स्क्वायर y प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25, और y का y स्क्वायर. तो हमारे पास आंसर आ गया 36 x की पावर 4 माइनस 60 x स्क्वायर y प्लस 25 y स्क्वायर. नाउ इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स रह रहे हैं 4th 5th एंड 6th वो आप खुद से ट्राई करेंगे और आपको ये पीडीएफ में भी मिल जाएंगे. नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 4th. 4th क्या है? सिंपलीफाई. क्वेश्चन 4th में सिंपलीफाई करना है. फर्स्ट देखते हैं. फर्स्ट में गिवन है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर. तो कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी इसमें? लग जाएगी a माइनस b का होल स्क्वायर. तो किससे ओपन होगा? a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस b स्क्वायर. ठीक है, सिंपलीफाई करते हैं. तो a का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर की पावर 2, क्योंकि यहां पर a स्क्वायर है. तो a स्क्वायर यहां पर a की वैल्यू क्या है? a स्क्वायर है. a की वैल्यू a स्क्वायर है. यहां पर a स्क्वायर है तो a स्क्वायर के ऊपर पावर क्या लगेगी? स्क्वायर माइनस 2 a की पावर. a क्या है? a स्क्वायर, और b क्या है? b स्क्वायर. उसके बाद हमारे पास b स्क्वायर. b स्क्वायर क्या है? यहां पर b की स्क्वायर की पावर स्क्वायर. नाउ हम पढ़ चुके
ट्वेल्व में जब हम चैप्टर कर रहे थे एक्सपोनेंशियल पार्ट्स कि जब बेस सेम होता है उसके पास पास दो पावर्स होती है तो वो दो पावर्स क्या हो जाती है आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास ए की पावर फोर माइनस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्या आ जाएगा माइनस का टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। प्लस बी की पावर कितना आ गया फोर, प्लस बी की पावर आ गया फोर, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया ए की पावर फोर माइनस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर फोर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट हमें देखते हैं सेकंड, सेकंड क्या लिखा है टू एक्स प्लस फाइव का होल स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फाइव का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे देखो टू एक्स प्लस फाइव का होल स्क्वायर तो ये मिलेगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर में माइनस ये किसमें मिलेगा ए माइनस बी के होल स्क्वायर में, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस का टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसमें ओपन कर लेते हैं तो ए का स्क्वायर मतलब टू एक्स का स्क्वायर प्लस टू ए क्या है हमारे पास टू एक्स बी क्या है हमारे पास फाइव प्लस फाइव का स्क्वायर माइनस इसको सॉल्व करते हैं ए का स्क्वायर मतलब टू एक्स का स्क्वायर माइनस टू मल्टीप्लाई टू एक्स मल्टीप्लाई फाइव प्लस फाइव का स्क्वायर, टू एक्स का स्क्वायर टू का स्क्वायर होता है फोर एक्स स्क्वायर प्लस टू टू जो फोर फोर फाइव जो ट्वेंटी तो ट्वेंटी का एक्स प्लस ट्वेंटी फाइव माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा फोर एक्स स्क्वायर माइनस का ट्वेंटी एक्स प्लस ट्वेंटी फाइव। अब क्या करेंगे ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो ये देखो ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस का आ जाएगा तो फोर एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेंटी एक्स प्लस ट्वेंटी फाइव माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस का ट्वेंटी एक्स माइनस का ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव से ट्वेंटी फाइव कैंसिल फोर एक्स स्क्वायर से फोर एक्स स्क्वायर कैंसिल क्या रहेगा ट्वेंटी एक्स प्लस ट्वेंटी एक्स के लिए हो जाएंगे हमारे पास फोर्टी एक्स, तो हमारा आंसर कितना आ गया फोर्टी एक्स। थर्ड है हमारे पास सेवन एम माइनस एट एन का होल स्क्वायर प्लस सेवन एम प्लस एट एन का होल स्क्वायर, देखो अगेन जो अभी मैं सेकेंडली समझा के आई हूँ आपको बिल्कुल वैसा का वैसा काम आपको थर्ड वाले पार्ट में करना है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर वापस ए माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी और यहाँ पर किसकी लगेगी ए प्लस बी के होल स्क्वायर की, सॉल्व कर लो देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसमें खुलता है ए स्क्वायर माइनस का टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा सेवन एम का स्क्वायर माइनस टू सेवन एम इंटू एट एन प्लस एट एन का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी के होल स्क्वायर को खोलेंगे अगेन द सेम हमारे पास सेम जो है टर्म है हम इसको खोलते हैं सेवन एम का स्क्वायर प्लस एट एन का स्क्वायर प्लस टू सेवन एम और एट एन, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे सेवन का स्क्वायर फोर्टी नाइन एम का स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस टू सेवन से कितना होता है फोर्टीन और फोर्टीन को इंटू करोगे किससे एट से तो कितना आ जाएगा वन हंड्रेड एंड ट्वेल्व, तो वन हंड्रेड एंड ट्वेल्व एम एन प्लस एट का स्क्वायर सिक्सटी फोर एन स्क्वायर प्लस सेवन का स्क्वायर कितना आ जाएगा फोर्टी नाइन एन स्क्वायर अगेन एट का स्क्वायर कितना आ जाएगा सिक्सटी फोर एन स्क्वायर प्लस टू सेवन सा फोर्टीन फोर्टीन एट से कितना होता है वन हंड्रेड एंड ट्वेल्व एम एन। इसको देखेंगे ध्यान से तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमारे पास कौन सी टर्म बनती है देखो वन हंड्रेड एंड ट्वेल्व एम एन और यहाँ पर वन हंड्रेड एंड ट्वेल्व एम एन कैंसिल आउट हो जाएगी क्योंकि ये माइनस में और ये प्लस में फोर्टी नाइन को फोर्टी नाइन एम स्क्वायर और फोर्टी नाइन एम स्क्वायर को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा नाइनटी एट एम स्क्वायर, इसका काम भी खत्म। अब क्या बच गया सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा वन ट्वेंटी एट एम स्क्वायर, तो हमारा आंसर कितना आ गया नाइनटी एट एम स्क्वायर प्लस वन ट्वेंटी एट एम स्क्वायर। फिफ्थ ट्राई करते हैं, फिफ्थ क्या है 2.5p माइनस 1.5 का होल स्क्वायर माइनस 1.5p माइनस 2.5q का होल स्क्वायर, इसको किसमें खोलना है हमें a माइनस बी के होल स्क्वायर में और वो भी किसमें खुलेगा a माइनस बी के होल स्क्वायर में, पर वो वाली जो टर्म है देखो बाहर माइनस का साइन चल रहा है जब इस वाले हम इसको ओपन कर देंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर से तो बाहर साइन माइनस का चल रहा है माइनस की वजह से क्या होगा सारी वैल्यूज के साइन चेंज हो जाएंगे, तो सॉल्व करते हैं देखो 2.5 माइनस 1.5 क्यू का होल स्क्वायर सॉल्व कर रहे हैं तो 2.5 पी का स्क्वायर माइनस 2.5 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1.5 क्यू, यहाँ पर आएगा पी और यहाँ पर आएगा क्यू प्लस का 1.5 क्यू का स्क्वायर ये आ जाएगा। उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं आगे देखो माइनस चल रहा है आगे सॉल्व करेंगे 1.5 पी का स्क्वायर माइनस 2
1.5 P 2.5 Q प्लस 2.5 Q का होल स्क्वायर. ठीक है, देखो 2.5 P स्क्वायर इसमें मिलेगा 6.25 P स्क्वायर में, माइनस 2 को इंटू करेंगे 2.5 से और 2.5 को इंटू करेंगे 1.5 से कितना आ जाएगा हमारे पास, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 2.25. कितना आ जाएगा यहाँ पर आएगा, देखो 2 इंटू 2.5 इंटू 1.5 तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 7.5 PQ, माइनस का 7.5 PQ, 1.5 Q का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1.5 Q का स्क्वायर, तो 2 प्लस का 2.25 Q का स्क्वायर यही आएगा. उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं, आगे क्या चल रहा है, माइनस माइनस चल रहा है, 1.5 Q का स्क्वायर मिलेगा 2.25 किसमें खुल जाएगा, ये इसमें Q का स्क्वायर, तो ये खुलेगा हमारे पास Q का स्क्वायर, Q स्क्वायर चल रहा है क्या, इधर देखेंगे ये चल रहा है P, तो यहाँ पर खुले चलेगा P का स्क्वायर प्लस 7.5 PQ माइनस 6.25 P क्या आ जाएगा 7.5 Q स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ गया Q स्क्वायर. तो अब साइन बदलेंगे, देखो ये हमारे पास किसका है माइनस का और ये किसका है प्लस का. उसके अलावा कौन सी टर्म कट रही है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास कट सकती है कौन सी टर्म हमारे पास कटेगी, उसके बाद अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर है 6.5 P स्क्वायर, यहाँ पर है 6.25 P स्क्वायर, और P स्क्वायर की दूसरी टर्म का है ये नहीं 2.25 P स्क्वायर, ये प्लस में ये माइनस में दोनों को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 P स्क्वायर. उसके बाद देखते हैं, उसके बाद हमारे पास है 6.25 माइनस का Q स्क्वायर, यहाँ पर है Q स्क्वायर की दूसरी टर्म, ये प्लस माइनस माइनस में तो यहाँ पर क्या बच जाएगा माइनस का 4 Q स्क्वायर, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 4 P स्क्वायर माइनस का 4 Q स्क्वायर. नाउ इसके जो रिमेनिंग पार्ट बच रहे हैं 6th एंड 7th को आप खुद से ट्राई करेंगे, आपको वो PDF में भी मिल जाएंगे. इस एक्सरसाइज 9.5 के जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चन रह रहे हैं दैट इज 5th 6th 7th 8th, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे.